देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सच में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। तीसरी लहर आएगी तो कब आएगी? हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि मौजूदा वक्त में कोरोना की थर्ड वेव को लेकर हमारी कितनी तैयारी है। ये खास रिपोर्ट जरा देखिए। नए आदादो शुमार ने चौंकाया, कोरोना का खौफ बढ़ाया। दुनिया के कई ममालिक के लिए नई लहर चैलेंज। भारत में तीसरी लहर की क्या है तैयारी? भारत समेत दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वबा की दूसरी लहर थमी हुई भले ही दिख रही है, लेकिन इस राहत के साथ ही एक अंदेशा अब भी बना हुआ है तीसरी लहर का, और आलमी इदारा सेहत के नए आदादोशुमार ने इस खौफ को मजीद बढ़ा दिया है। दुनिया के आदादोशुमार देखें तो हर रोज अभी भी 5.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं और 8.5 हजार अमवात कोरोना से हो रही हैं। यूरोप और एशिया के कई ममालिक में कोरोना के केस पिछले 1-2 हफ्तों में तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। माहिरीन इसे कोरोना की तीसरी लहर की आहट बता रहे हैं। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के मामला 12% बढ़े हैं। अमेरिका में 2 हफ्ते पहले तक जहां 13,000 के आसपास नए मामले आ रहे थे, वो अब 3 गुना बढ़कर 37,000 के करीब पहुंच गए हैं। भारत में दूसरी लहर की तबाही से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे यूरोपीय ममालिक में कोरोना के खतरे ने सर उठाया था, और फिर भारत में जो तबाही हुई उसका दर्द आज भी हर भारतीय के जहन में है। आज फिर इन ममालिक में लापरवाही और कोरोना के केस दोनों बढ़ रहे हैं, और लापरवाही के ऐसे ही तस्वीर भारत के सियाही मकामात से भी सामने आ रही हैं, जो तीसरी लहर को बुलावा देने का काम कर रही हैं। भारत में दूसरी लहर से अभी राहत जरूर दिख रही है, लेकिन रोजाना 40,000 के करीब नए मरीज अभी भी सामने आ रहे हैं और 500 के करीब अमवात अब भी हो रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भले ही मुल्क में कोरोना के मामला 8% घट गए हों, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के नए मामला की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। नए इन्फेक्शन के लिहाज से केरल और महाराष्ट्र में होड़ देखने को मिल रही है। मुल्क भर में जितने मामले सामने आ रहे हैं उनमें 25-30% मामले सिर्फ केरल से आ रहे हैं। ये वही दोनों रियासत हैं जहां पहली लहर की शुरुआत में और दूसरी लहर की शुरुआत में कोरोना के मामलात में बढ़ोतरी देखी गई थी। तमिलनाडु, बंगाल और शुमाल मशरक की रियासतों में भी कोरोना के मामलात फिक्र बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि 6 रियासतों के वुज़रा आला के साथ बातचीत के दौरान PM मोदी ने भी इस खतरे की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मुल्क तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। मैं समझता हूँ एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर के क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। PM मोदी ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की थी, लेकिन शिमला की इन तस्वीर को देखकर लगता नहीं कि PM की अपील का लोगों पर कोई असर हुआ है। लॉकडाउन के जवाबित में मिली ढील के बाद बाजारों में जैसी भीड़ और लापरवाही दिख रही है, इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के सियाहती मकामात पर जैसी भीड़ दिखी, वो आने वाले खतरे को मजीद बढ़ा सकती है। लंबे वक्त बाद हिल स्टेशन जाकर सयाह भी बेहद खुश हैं, लेकिन सभी से अपील है कि लापरवाही ना करें, वरना हालात एक बार फिर बेकाबू हो जाएंगे, चंद घंटों की खुशियां भारी पड़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।